Hi learners, welcome to Pathway Classes. How are you all? I hope all are doing good. So I am back with a new topic, that is India and ILO, and I hope all are preparing for your exam because 10 to 15 days are left. So don't go for new topic, just revise your previous topics that you have done previously. So just आप revise करो अपने topics को और ज़्यादा से ज़्यादा questions को करो, previous year questions को करो, because अब time बहुत ही limited है. So let's start with the topic, that is introduction part. ILO में हम जा रहे हैं. So India भी एक founder member है ILO का, and इसकी existence आई थी 1919 से, means 1919 से India भी एक founder member बन गया था ILO का. At present, ILO has 186 members. अभी के हिसाब से देखें तो 186 members हैं ILO में. बहुत सी countries हैं यहाँ पे linked हैं, तो ऐसे ही जैसे इंडिया है तो बहुत सी ऐसी members हैं जो कि ILO का part हैं, और वो total कितनी हैं, 186 हैं. A unique feature of ILO is its tripartite character. ये tripartite character है, that means इसमें three bodies involved हैं, that is government and workers and employers. तो three parties involved हैं, and three की three जो parties हैं वो अपनी responsibilities को अच्छे से follow up करती हैं और deliberately अपनी जो भी responsibilities हैं उनको share करती हैं. So जैसे कि government की कुछ other responsibilities हैं, workers की कुछ और हैं, और employers की कुछ और हैं. So ये वाला part भी complete हो गया है. यही बोला गया है इसमें भी कि वो अपनी responsibilities को conduct करती हैं और अच्छे से work करती हैं उसके ऊपर. अब हम चलते हैं थ्री ऑर्गन्स ऑफ ILO. ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, तो दोनों ही कह सकते हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं इसको. जैसे पूछा जाए ILO का क्या टाइप्स हैं और स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज़ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस. इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो होती है वो हर साल होती है इन द मंथ ऑफ जून. ये एक ऐसी मीटिंग है जो हर साल होती है इन द मंथ ऑफ जून, एंड यहाँ पे जनरल असेंबली होती है ILO की. मतलब जो भी जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पे वर्क करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली मेन इसका यही एम है कि जो भी अथॉरिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हम सोचते हैं और जो भी हम आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं वो यहाँ पे होता है. ठीक है, जैसे कि लेबर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए इस मीटिंग में होता है, इस कॉन्फ्रेंस में होता है, और सोशली हमें किस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, उनके लिए क्या क्या वेलफेयर की ज़रूरत है, तो वो सारा कुछ डिस्कशन यहाँ पे होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गवर्निंग बॉडी. गवर्निंग बॉडी को हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ILO भी कहते हैं, एंड ये जो मीटिंग होती है ये थ्री टाइम्स होती है इन अ ईयर. ठीक है, एंड इन द मंथ ऑफ मार्च, जून एंड नवंबर. तो मार्च, जून और नवंबर में होती है तीन बार एक साल में. एंड गवर्निंग बॉडी में क्या होता है, जो ILO, जो ILC में, सॉरी, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में जितने भी ओपिनियंस और जजमेंट शेयर होते हैं, यहाँ पे गवर्निंग बॉडी में इम्प्लीमेंटेशन होता है. दैट मीन्स कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं उस जो भी ओपिनियन है या फिर पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, जो कि परमानेंट सेक्रेटेरिएट है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी चीज़ें होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है. एक परमानेंट बॉडी है जहाँ पे प्रॉपर ये मीटिंग होती है. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. एंड द वर्क ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्निंग बॉडीज सप्लीमेंटेड बाय द रीजनल कॉन्फ्रेंसेज, रीजनल एडवाइजरी कमिटीज, इंटरनेशनल कमिटीज, कमिटी फॉर द एक्सपर्ट पैनल ऑफ कंसल्टेंट, स्पेशल कॉन्फ्रेंसेज एंड मीटिंग एक्सेट्रा. सो जो भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज होती है वर्किंग की, और जो भी गवर्निंग बॉडी की जो भी चीज़ें होती है, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो इसमें डिवाइड हो जाती है. जैसे कि हम बोल सकते हैं रीजनल कॉन्फ्रेंसेज में हो जाएगी, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल कमिटीज़ होती हैं, पैनल बैठता है कंसल्टेंट्स का, स्पेशल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी. ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. वही है, बस मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया है सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए. इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी एंड इंटरनेशनल लेबर ऑफिस. एंड ILO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, अगर आपको पता है तो जस्ट कमेंट मी, राइट, सो दैट मुझे पता चलेगा कि आपको पता है या नहीं है. तो आप आंसर करना मुझे कि ILO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है.
दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ILO वही मैंने आपको बता दिया है, बस मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। यही है कि ये ILO एक सुपीरियर बॉडी है जो कि साल में एक ही बार होती है, यहाँ पे मीटिंग जून की मंथ में होती है, ये भी पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे एग्जामिन करा जाता है, अडॉप्ट किया जाता है नॉर्म्स को सोशली एंड लेबर के फॉर्म में, है ना, डिस्कशन होता है प्रॉपरली, सो दैट लेबर यहाँ पे खुश रहें, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, है ना, सारी चीज़ें मिले, वेलफेयर हो उनका अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी को ILO का एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहा जाता है, जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो भी डिसीजंस डिफाइन होते हैं ILC में वो इम्प्लीमेंट होते हैं। एंड यहाँ पे 3 बार होता है मीटिंग साल में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस मैंने बता दिया आपको, परमानेंट सेक्रेटरीट होता है एंड इट इज़ अ फोकल पॉइंट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे प्रिपेयर होती हैं और गवर्निंग बॉडी के इंक्वायरी के बेसिस पे होती है, लीडरशिप के बेसिस पे होती है, ठीक है। गवर्निंग बॉडी हेल्प करते हैं यहाँ पे, जो भी मतलब वो इंक्वायरी प्रॉपरली होगी वो उनकी किसकी होगी, गवर्निंग बॉडी की होगी। अपने आप से ILC में जितने भी चीज़ें हैं वो एक्टिविटीज़ या फिर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं वो गवर्निंग बॉडी की हेल्प से ही होगी। एंड द लीडरशिप ऑफ द जनरल डायरेक्टर, जो लीडरशिप रहेगी किसकी रहेगी, जनरल डायरेक्टर की रहेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेन फंक्शंस ऑफ ILO क्या क्या हैं, क्रिएशन एंड द कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डायरेक्टेड एट सॉल्विंग सोशल एंड लेबर इशूज़। वही है लेबर इशूज, सोशल इशूज़ को सॉल्व करना, कोऑर्डिनेट करना पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन एंड कंट्रोल ओवर द इम्प्लीमेंटेशन। सो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको अडॉप्ट करना इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस। अभी हम कन्वेंशंस भी पढ़ेंगे, क्या क्या कन्वेंशंस आई थे, तो जो भी नए नए रिकमेंडेशंस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। असिस्टेंस टू मेंबर स्टेट इन सॉल्विंग सोशल एंड लेबर प्रॉब्लम्स। जो भी हैं स्टेट वाइज जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोशली और लेबर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको असिस्ट करना। फोर्थ पॉइंट है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए, मींस राइट टू वर्क होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। मतलब ये सारे जो भी राइट्स होते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, एक पर्टिकुलर लेबर के ऑर्गेनाइजेशन में, वो राइट्स पूरे फुलफिल होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफ द वर्क ऑन द सोशल एंड लेबर इशूज़। जो भी रिसर्च हो रही है वो सोशल एंड लेबर इशूज़ के ऊपर होना चाहिए, किस तरह से उनका वर्किंग होना चाहिए, ये सारा कुछ उनके इशूज़ को भी देखना इम्पॉर्टेंट है। इसमें मेन यही है ILO का काम कि लेबर्स और जो भी सोशल इशूज़ हैं उनको सॉल्व आउट करना, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ILO डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क। सो इट वॉज अडॉप्टेड इन 1998। जो ILO का जो डिक्लेरेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क, मतलब क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, क्या क्या कन्वेंशन होने चाहिए उसके बेसिस पे, तो वो अडॉप्ट हुआ कब, 1998 में। एंड डिक्लेरेशन कमिट्स मेंबर स्टेट टू रिस्पेक्ट एंड प्रमोट 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स इन द 4 कैटेगरीज। सो 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे और उनको 4 कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया था। एंड द कैटेगरीज आर दीज, अभी हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द राइट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, दैट इज कन्वेंशन 87 एंड 98। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ द फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर, कन्वेंशन 28 एंड 105। ये पता होना चाहिए कन्वेंशन कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग आ जाती है, ठीक है। थर्ड जो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द चाइल्ड लेबर, कन्वेंशन कौन से है, 138 एंड 182 में बात की गई है। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, कन्वेंशन नंबर 100 एंड 111। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज इन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द ILO डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स एट वर्क। सो आई होप ये क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं जो 8 कोर कन्वेंशंस हैं ILO के, वो हम डिस्कस करते हैं। एंड इंडिया ने जो कन्वेंशंस हैं 8 में से कितने कन्वेंशंस को उसने रेक्टिफाई किया है, ठीक है। सो अभी जो टोटल कन्वेंशंस है वो 8 हैं, ठीक है, और इंडिया ने 6 कन्वेंशंस को रेक्टिफाई किया है। सो दीज आर द
8 कन्वेंशंस ऑफ ILO, फोर्स लेबर कन्वेंशन, ठीक है, नंबर 28, इवोल्यूशन ऑफ द फोर्स लेबर कन्वेंशन नंबर 105, इक्वल रिमुनरेशन कन्वेंशन जो कि 100 है, डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन 111, मिनिमम एज कन्वेंशन 138. गाइज, इससे कन्वेंशन नंबर भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपने देखा होगा, इक्वल रिमुनरेशन, मिनिमम एज हो गया या फिर फोर्स लेबर हो गया, इसके कन्वेंशंस के बारे में पूछा जाता है. फिर नेक्स्ट है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, दैट इज़ 182, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 89 एंड राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन दैट इज़ 98. सो दीज आर द 8 कोर कन्वेंशंस ऑफ ILO. तो जो भी इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट इक्वल रिमुनरेशन का आता है, लेबर का आता है, लेबर फर्स्ट वाला आता है, मिनिमम एज कन्वेंशन के बारे में पूछा जाता है. तो सारे ही आपको वैसे समझने हैं कौन से नंबर में हैं और कौन से कन्वेंशंस हैं. तो 8 कन्वेंशंस हो गए. अब इंडिया ने जो रेक्टिफाई किया है वो 6 कन्वेंशंस को रेक्टिफाई किया है. जो लास्ट के दो हैं ना, लास्ट के दो कन्वेंशंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन नंबर 87 एंड राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नंबर 98, इनको रेक्टिफाई नहीं किया है इंडिया ने. ठीक है, तो इंडिया के जो कन्वेंशंस हैं वो 6 ही हैं, 6 कन्वेंशंस में ही इंडिया डील करता है. सो अब हम पढ़ते हैं इंडिया एंड ILO. इन इंडिया द फर्स्ट ILO ऑफिस वॉज स्टार्टेड इन 1928 में जो फर्स्ट ऑफिस स्टार्ट हुआ था ILO का, वो 1928 में हुआ था. एंड द डिकेड ऑफ द प्रोडक्टिव पार्टनरशिप बिटवीन द ILO एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हैज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट अंडरलेइंग प्रिंसिपल्स एंड ग्राउंडेड बिल्डिंग सस्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटीज ऑफ द पार्टनर्स. सो यही बोला है कि ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सो दैट यहाँ पे जो भी कैपेसिटीज़ हैं या कैपेबिलिटीज़ हैं पार्टनर्स की, वो अच्छे से बिल्ड हो पाएँ, अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएँ बोल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया हैज़ रेक्टिफाइड 6 out of 8 फंडामेंटल ILO कन्वेंशंस एंड दीज आर, ठीक है, तो वही चीज़ है, यही बोला है. और लास्ट में ये जो दो कन्वेंशन है इसको रेक्टिफाई नहीं किया है, बाकी जो 6 हैं वो कन्वेंशंस रेक्टिफाई की है इंडिया ने. और आपको इंडिया की कन्वेंशंस के बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए. सो एक बार आप रीड आउट कर लेना है सारी कन्वेंशंस को. सो इंडिया हैज़ नॉट रेक्टिफाइड 2 कोर फंडामेंटल, नेमली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन दैट इज 87 एंड राइट टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन जो आया था 1949 में, नंबर क्या है 98. सो इसका जो मेन रेक्टिफिकेशन का मतलब नहीं हो पाया, जो रेक्टिफिकेशन उसमें कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट के, कि वो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पर, है ना, तो इसी की वजह से वो रेक्टिफाई नहीं हो पाया. सो दैट्स इट फॉर नाउ. इतना आपको बस सफिशिएंट है, इतना पता होना चाहिए जो जो मैंने आपको बता दिया है ILO में. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ILO. सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय, टेक केयर.